सो गाइस यूट्यूब पर एक अपडेट आया था जो कि एक बैड अपडेट है और उसमें आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के बारे में बताया गया है और आपके सामने यूट्यूब पर कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आया होगा और अगर यूट्यूब पर नहीं है तो आप एडसेंस में जाएंगे तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइस इसमें आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा, अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं तो आपको 24% टैक्स में देना होगा US टैक्स में, चाहे आपकी ऑडियंस किसी भी कंट्री से आ रही हो। अगर गाइस आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना होगा, वो भी सिर्फ US की जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियोस देखेगी तो उससे जो अर्निंग होगी उसमें से देना होगा। गाइस अगर आप देखना चाहते हैं कि ये अपडेट किस तरीके का है तो गाइस आपको यहाँ पर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो हे गाइस दिस इज आसिफ एंड यू आर वॉचिंग आसू की टेक, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यहाँ पर आपको फ्रेश कॉन्टेंट मिलता है। गाइस आपको अपने एडसेंस अकाउंट में आ जाना है और आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन मिलेगी, यहाँ पर लिखा होगा मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो खुलकर ओपन हो जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल का पासवर्ड है वो मांगेगा, यहाँ पर मैं पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। पासवर्ड फिलअप करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल और दूसरा लिखा है नॉन इंडिविजुअल। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप नॉन इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और गाइस अगर आपका इंडिविजुअल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरा जो चैनल है वो इंडिविजुअल है तो मैं इस पर फर्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा है आर यू ए सिटीज़न और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अगर आप US के नागरिक हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, हम इंडिया से हैं तो हमें यहाँ पर करना है नो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगे, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करना है, अगर आपका इंडिविजुअल है तो आपको फर्स्ट वाले पर टिक करना है। तो मेरा इंडिविजुअल है तो मैं फर्स्ट वाले पर टिक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा आ जाएगा स्टार्ट W8BN फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। जैसे मेरे जो अकाउंट है एडसेंस का उसका नाम मोहम्मद आसिफ है, आपका भी जो जिस नाम से आपका एडसेंस होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप फिलअप कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, आप इसमें कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर इंडिविजुअल है तो मैं यहाँ पर इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करने वाला। आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आप जिस कंट्री से हैं वो कंट्री सिलेक्ट कर देंगे। मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंडिया। गाइज उसके बाद में यहाँ पर आएगा फॉरेन टिन, तो गाइज अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि फॉरेन टिन क्या है। तो गाइज यहाँ पर जो आपका पैन नंबर है वो भरना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टिन, टिन होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर और जो इंडिया का टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर है वो पैन है, तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। गाइज उसके बाद में आपको नीचे एक सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, आप सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो आपने एड्रेस दिया था अपने एडसेंस को वेरीफाई करने के लिए वही एड्रेस यहाँ पर डालना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है तो इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर गाइस अपना एड्रेस फिल कर लेना है, मैं भी यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखा है पोस्टल एड्रेस, तो आपको इस पर टिक कर देना है अगर आपका सेम एड्रेस है तो। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो टैक्स जाएगा वो 30% जाएगा, बट हमारी जो कंट्री है वो ट्रेटी में आती है तो हमें सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसको हम यस कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये कॉलम आ जाएगा, इसमें भी आपको टिक कर देना है। उसके बाद में कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंडिया। गाइज उसके बाद में नीचे ऑप्शन मिलेगा सर्विस ऑफ एडसेंस, इसमें आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से विदाउट होल्डिंग रेट पर क्लिक करना है और यहाँ से 0% पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इसको भी टिक कर देना है। एंड फिर दूसरा ऑप्शन है मोशन पिक्चर एंड TV, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन आएगा आर्टिकल 12, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 15% रिड्यूस रेट पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद में नीचे ऑप्शन आएगा अदर कॉपीराइट का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको रेट चूज़ करने हैं तो 15% रिड्यूस रेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देना है। गाइस नेक्स्ट करने के बाद में आप जो है अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्म आ गया होगा, कुछ इस तरीके का फॉर्म आपका फिल हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर कंसेंट देनी है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको फुल लीगल नेम लिखना है, जो कि आपका लीगल नेम है आपके आधार कार्ड में या फिर आपके पैन कार्ड में, वो आपको नाम यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम फिल कर देता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, तो मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। उसके बाद में गाइस यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसको यस कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। गाइस जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे US, तो इसको आपको नो कर देना है। यहाँ से आपको कंसेंट देनी है। उसके बाद में नीचे आपके बाद में दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने YouTube से पहली बार पेमेंट ले रहे हैं, अगर आपने अभी तक YouTube से पेमेंट नहीं ली है, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप पहले भी पेमेंट ले चुके हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस मेरी एक बार पेमेंट आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर कंसेंट देनी है, टिक कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है चेंजेस, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। गाइस आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लेम्ड लिखा हुआ आएगा और ऊपर स्टेटस दिखा रहा है अप्रूव्ड 10 मार्च, क्योंकि हमने आज ही अप्रूव किया है, तो आज की ही डेट इसमें शो कर रही है। अब गाइस अगर आपकी अर्निंग US से होती है तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना होगा, और अगर आपकी अदर कंट्री से अर्निंग होती है तो वहां से आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आई होप गाइस आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना आ गया होगा। गाइस आपको सिर्फ 15% टैक्स देना होगा, वो भी सिर्फ US की अर्निंग से। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।